हेलो चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास है ये आपकी, और आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ब्रेव चिल्ड्रन। ठीक, ब्रेव चिल्ड्रन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हिम्मती बच्चे। हिम्मती बच्चों की कहानी आज हम जानने वाले हैं, और ये बच्चे हिम्मती क्यों हैं, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि इनको ब्रेव कहा जा रहा है, ये अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं ब्रेव कैसे कहलाया जा सकता है और कैसे बना जा सकता है, किस तरीके से हम दूसरों की जान बचा सकते हैं, ये अब हम इन बच्चों से सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विजय की। किसकी? विजय की। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है। इट वॉज विंटर हॉलीडे, तो ये विंटर के दिन हैं। कैसे दिन हैं? सर्दियों के। विजय वॉज स्टेइंग एट हिज फ्रेंड्स हाउस, विजय जो है अपने दोस्त के घर में रह रहा था। अराउंड मिडनाइट, आधी रात के आसपास के वक्त की बात है। ही फेल्ट वेरी वार्म, उसको कुछ गर्माहट सी महसूस हुई, और वेरी वार्म का मतलब कुछ ज़्यादा गर्माहट सी महसूस हुई। सोते सोते ऐसा लगा कि अरे काफ़ी गर्म गर्म सा महसूस हुआ, गर्मी सी महसूस हुई, वो भी कब? सर्दियों के टाइम पे। ठीक, वार्म ऑन अ विंटर नाइट, अब उसने सोते सोते ही सोचा कि सर्दी के दिन में इतनी गर्मी लग रही है। ही ओपन्ड हिज आइज, उसने आँखें खोली। ओपन्ड हिज आइज का मतलब कि विजय ने आँखें खोली। एंड सॉ, और देखा। द बेडरूम डोर बर्निंग, यह देखा कि बेडरूम का जो डोर है, सोने का रूम जो होता है उसे बेडरूम कहा जाता है, और उसी का दरवाज़ा डोर बर्निंग, उसी के दरवाजे को देखा बर्न करते हुए, आग में जलते हुए। द हाउस वॉज ऑन फायर, ये देखा कि अरे पूरा घर किसमें है? आग में, पूरे घर में आग लगी हुई है। ओ माई गॉड, बाप हे भगवान। आगे देखते हैं। मंगलम जॉय इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ही थॉट, उसे याद आया कि मंगलम जॉय जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा है। फिर आगे देखिए, मंगलम जॉय वॉज हिज फ्रेंड्स यंगर ब्रदर, मंगलम जॉय था कौन? तो मंगलम जॉय जो है वो विजय के दोस्त का यंगर ब्रदर का मतलब होता है। देखिए यहाँ यंगर वर्ड आया है, मतलब छोटा भाई था। तो मंगलम जॉय वॉज हिज फ्रेंड्स यंगर ब्रदर, तो ये देखिए मंगलम जॉय जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर सो रहा है, और वह विजय के दोस्त का, विजय के जो दोस्त है जिनके घर में वो रह रहा था, उसका छोटा भाई था। ही कुडंट वॉक, और वह चल नहीं सकता, यह भी एक कंडीशन आ गई कि अब वो क्या है कि वो बच्चा जो है मंगलम जॉय वो चल भी नहीं सकता। ये सारी बातें जो है विजय को एकदम से ध्यान में आती हैं जैसे ही वो आग को देखता है। अब ये देखते हैं कि वो करता क्या है, विजय जो है करता क्या है, ये देख लेते हैं। चलिए, ही रैन थ्रू द फ्लेम्स एंड रश्ड टू द फर्स्ट फ्लोर, विजय जो है वो दौड़ता हुआ कहाँ गया? दौड़ता हुआ आग की लपटों के बीच से, और कहाँ पहुँचा? फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गया, जहाँ पर मंगलम जॉय सो रहा था। ठीक, आगे देखते हैं। मंगलम जॉय वॉज फास्ट स्लीप, मंगलम जॉय अच्छी गहरी नींद में सो रहा था। ही टाइड वन एंड ऑफ अ बेड शीट अराउंड हिज वेस्ट, अब भाई जो बच्चा चल नहीं पाता उसको दूसरा बच्चा उठाने वाला है, लेकिन कैसे? तो विजय ने क्या किया कि बेडशीट ली और बेडशीट का एक कोना मंगलम जॉय की कमर में बांध दिया। ठीक है, ही टाइड द अदर एंड ऑफ द शीट टू अ वुडन पोल, और दूसरे सिरे को किस चीज़ से बांध दिया? दूसरे सिरे को एक वुडन पोल से बांध दिया, एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। ठीक है, देन ही स्लोली लोअर्ड हिम थ्रू द विंडो, अब उसने धीरे से मंगलम जॉय को विंडो से बाहर कर दिया। ठीक, स्लोली लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब धीरे से, लोअर्ड हिम
झुका देना, धीरे से खिड़की के बाहर उसको झुका दिया। आगे देखिए, देन ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो टू। मंगलम जॉय को बाहर निकालने के बाद अब उस विजय ने खुद अपने आप को भी एक जंप दिया और विंडो के बाहर पहुंच गया। ठीक, ही वॉज हर्ट। जंप दे के बाहर जाने में विजय को चोट लगी। ही वॉज हर्ट बट ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड सेव्ड अ लाइफ। मंगलम जॉय को बचाने के बाद विजय को चोट लगी, लेकिन फिर भी विजय बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि विजय ने एक जान बचाई थी। देखिए लिखा है हैड सेव्ड अ लाइफ, इसका मतलब किसी की जान बचाई थी। आगे देखिए, 11 ईयर ओल्ड विजय शर्मा वन द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। विजय पता है आपको कितने साल का था? विजय सिर्फ 11 इयर्स का था, और 11 इयर्स पे उसने इतनी बड़ी ब्रेवरी का काम किया था। इतने ज़्यादा कठिन समय में जब आग लगी हो तो उसने फौरन ही मंगलम जॉय को बचाया था, ये है ना ब्रेव बात। तो उसको इसी ब्रेवरी के वजह से क्या मिला था? अवार्ड, वन द संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड। तो संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड, जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, वह मिला था विजय शर्मा को फॉर सेविंग मंगलम जॉयस लाइफ। क्यों मिला था? क्योंकि उसने किसको बचाया था? उसने जो है मंगलम जॉय की लाइफ बचाई थी। आगे देखते हैं, देखो भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा टच्ड हो गई। आई रियली फील वेरी वेरी प्राउड अबाउट विजय शर्मा। विजय शर्मा जो सिर्फ 11 इयर्स का है, उसने कैसे एक बच्चे को बचाया जो खुद नहीं चल सकता था। ठीक है, मुझे तो वाकई लग रहा है कि इट इज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब टू सेव समबडी इन सच अ कंडीशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ब्रेव पर्सन, एंड द नेम इज संगीता। क्या नाम है? संगीता। आगे देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इट वॉज अ डिसम्बर मॉर्निंग। डिसम्बर की मॉर्निंग है, ठीक है, दिसंबर की मॉर्निंग की बात हो रही है। संगीता एंड अदर स्टूडेंट्स हैड ऑल गैदर्ड फॉर देयर मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल। संगीता और उसके साथ के सारे बच्चे मॉर्निंग असेंबली के लिए स्कूल में जमा हुए थे। भाई जब आप लोग स्कूल जाते हो तो मॉर्निंग असेंबली होती है ना, आपके स्कूल में भी असेंबली में सारे बच्चों को लाइन से खड़ा किया जाता है और सब बच्चे प्रेयर बोलते हैं ताकि उनका पूरा दिन अच्छा जाए, ऊपर वाले को याद करते हैं और अच्छे बने रहने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरीके से जो संगीता है वह भी और बच्चों के साथ असेंबली ग्राउंड में इकट्ठा हुई अपने स्कूल में। ठीक, शी सडनली हर्ड हर फ्रेंड पुनीत क्राइंग आउट। अब उसको सुनाई दिया कि पुनीत जो कि उसका फ्रेंड है वो क्या हो रहा है, रो रही है, आवाज़ आ रही है रोने की। किसको आवाज़ आ रही है? संगीता को। संगीता ने सोचा कि आवाज़ आ रही है कैसे, फिर वो बाहर गया। देखो, अ स्नेक हैड कॉइल्ड अराउंड पुनीत्स लेग। ओह, संगीता ने देखा कि यहाँ देखिए जैसे ये संगीता है, संगीता ने देखा कि पुनीत के पैरों में एक सांप लिपटा हुआ है। कॉइल्ड अराउंड का मतलब है गोल गोल घूमकर, कॉइल की तरह गोल, इस तरीके से कॉइल की तरह गोल 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 घूमकर पैर में लिपटा हुआ है। एवरीबॉडी वॉज स्केयर्ड, और सबके सब जितनों ने देखा वो सब डरे हुए हैं। स्केयर्ड का मतलब होता है डरे हुए होना। आगे देखिए, शी थॉट शी हैड टू डू समथिंग। संगीता के दिमाग में आया कि उसको कुछ करना है, कुछ करना चाहिए पुनीत को बचाने के लिए। बहुत सारे बच्चे खड़े थे वहाँ, लेकिन और किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई, लेकिन संगीता ने ये बात सोची कि मुझे करना है कुछ पुनीत को बचाने के लिए। शी वेंट फॉरवर्ड, और वो फौरन आगे आई। फॉरवर्ड का मतलब आगे आना। शी कॉट द स्नेक बाय हिज हुड एंड थ्रू इट अवे। उसने सांप को उसके मुंह की तरफ से, उसके स्तर की तरफ से पकड़ा और लेके जोर से फेंक दिया।
ठीक है, थ्रू इट अवे का मतलब है ज़ोर से फेंक देना। अब आगे देखिए, एवरीबडी प्रेज्ड हर, और हर किसी ने उसकी तारीफ़ की। प्रेज्ड लिखा है, प्रेज्ड शब्द का अर्थ होता है कि तारीफ़ करना, वाहवाही करना। शी वॉज हैप्पी, और संगीता बहुत हैप्पी थी, खुश थी। क्यों हैप्पी थी? क्योंकि हर फ्रेंड वॉज सेफ। इसलिए हैप्पी थी कि उसने अपने दोस्त को बचाया था। ठीक, किसी को बचा के कितनी खुशी होती है, इसका एहसास तभी होगा आपको जब आप किसी को बचाएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए आगे देखते हैं। वाकई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे खड़े हैं लेकिन सिर्फ संगीता ने हेल्प के लिए सोचा। दिस इज़ रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल वर्क डन बाय संगीता। अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। नेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है माहिका गुप्ता दिल्ली। हम जिसके बारे में अगले पढ़ने वाले हैं उसका नाम है माहिका गुप्ता। और ये दिल्ली से हैं। कहाँ से हैं ये? दिल्ली से। 8.5 year old माहिका गुप्ता ऑफ दिल्ली वॉज चूजन फॉर द कोवेटेड भारत अवार्ड फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ हर 4 year old ब्रदर धैर्य ड्यूरिंग द उत्तराखंड फ्लड्स लास्ट ईयर। आपने सुना ही होगा उत्तराखंड में फ्लड आया हुआ था, और फ्लड बादल फटने की वजह से आया था, और बहुत 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 बड़ी अमाउंट में नुकसान हुआ था, जान का भी और माल का भी। नदी मतलब जो बिल्कुल सूखे एरिया थे उनमें बहुत सारा पानी आया और सब कुछ बहा कर ले गया अपने साथ। बहुत से लोग लापता हो गए, मर गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। केदारनाथ टेंपल जो है वो मेन जगह थी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग ख़त्म हुए थे, और बाकी फिर पानी जैसे जैसे नीचे की तरफ आता गया और ज़्यादा विकराल रूप न लेते हुए केदारनाथ में सबसे ज़्यादा जो है हार्म हुआ था। और उसके बाद कई सारे जगहों पर पानी की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी बह गई थी, लोग बह गए थे, और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। तो ये उसी टाइम की बात है। इस टाइम में एक 8 साल की 8.5 साढ़े 8 साल की माहिका गुप्ता जो कि दिल्ली की हैं, उन वो वहाँ पर मौजूद थी उत्तराखंड में, और उन्होंने अपने 4 साल के भाई जिसका नाम धैर्य है उसको बचाया था। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में और समझ लेते हैं कि माहिका गुप्ता को अवार्ड कौन सा मिला है। माहिका गुप्ता को अवार्ड मिला है भारत अवार्ड, ठीक है, फॉर द कोवेटेड भारत अवार्ड। ठीक, भारत अवार्ड इनको मिला है फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ 4 year old ब्रदर धैर्य, 4 साल के भाई जिसका नाम धैर्य है उसको बचाने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इसमें देखिए आगे क्या हुआ था, इनकी पूरी स्टोरी समझते हैं ताकि हम आगे याद रख सकें और हम भी इसी तरीके से ऐसे वक्त में कठिन समय में अपने बच्चों को या अपने आसपास जो भी हों उनको बचाने को सोच सकें। देखिए, ड्यूरिंग द उत्तराखंड लास्ट ईयर ऑन 16th June 2013, ये बात है 2013 की, और दिन जो डेट है वो है 16th June। ठीक, माहिका वॉज इन केदारनाथ वैली विथ हर फैमिली एंड रिलेटिव्स वेयर शी हैड गॉन टू ऑफर प्रेयर एट द केदारनाथ टेम्पल। देखिए, केदारनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर हर साल हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ से दर्शन कर वापस आते हैं। और ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो माहिका और उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स, ये सारे के सारे कहाँ गए थे? केदारनाथ गए थे अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि एट अराउंड 7 PM व्हेन शी वाज अलोन इन द होटल रूम विथ हर यंगर ब्रदर फ्लड वाटर slammed into the building। अब
7 बजे शाम के वक्त जब माइका अपने छोटे भाई के साथ बिल्डिंग में अकेली थी, अपने कमरे में अकेली थी होटल के, उस टाइम पर फ्लड का पानी एकदम से बिल्डिंग में आ गया। देखिए, लाइट्स वेंट आउट, और क्या हुआ, लाइट्स चली गई, एंड द रूम वॉज फिल्ड विथ वाटर एंड डिब्राइस। पानी बिल्कुल कमरों में भरता चला जा रहा था और पानी पूरे कमरे में भर चुका था, और उसके साथ जो है वो गंदगी और ऐसी ऐसी चीज़ें जो जिन्हें हम रबिश कहते हैं, बेकार की सारी गंदगी, गंदा पानी और कीचड़ मिट्टी, ये सारा का सारा मिलके डेब्राइस कहलाता है, यह भी कमरे में भर गया था। पानी के साथ काफ़ी कचरा कूड़ा भी भर गया था, सिंपल शब्द में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर आगे देखिए, माहिका सॉ हर यंग ब्रदर बीइंग स्वेप्ट अवे इन द फ्लड वाटर, माहिका ने देखा कि उसका भाई जो है वह भी धीरे धीरे फ्लड के पानी के साथ आगे बह रहा है। एक्टिंग फास्ट शी पुल्ड हर ब्रदर आउट एंड स्टेड इन द रूम clinging to a window rod before they finally managed to get out। हुआ ये कि उसने, माहिका ने देखा कि उसका छोटा भाई जो है वो फ्लड के पानी, क्योंकि भाई छोटा था वो, तो उससे तो पता नहीं कि क्या करना है, वो फ्लड के पानी के साथ बहता जा रहा था, और माहिका ने जैसे ही देखा कि भाई जो है पानी के साथ बह रहा है, माहिका ने तुरंत, एक्टिंग फास्ट लिखा है यहाँ पर, देखिए फौरन दौड़ते हुए, फौरन भागते हुए, फौरन दिमाग चलाते हुए क्या किया कि उसने अपने भाई को फौरन पकड़ लिया और कहाँ लेके गई, वो गई विंडो के पास, और विंडो पे जो लोहे की रॉड्स लगी होती है ना उसको पकड़ लिया, पकड़ के वहीं लटके रहे कब तक, जब तक कि ये आपदा थोड़ी थमी नहीं और उनको बाहर नहीं निकाला गया। जब तक वो खुद बाहर नहीं आ पाए तब तक वो वहीं रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर वीक्स आफ्टर दैट। माहिका को शॉक लग गया था, माहिका सदमे में पहुंच गई थी, कई हफ्तों तक वो घबरा गई थी और सदमे में पहुंच गई थी। जो नज़ारा उसने अपनी आंखों से देखा था कि अच्छा खासा बैठे हैं और अचानक से पानी आ गया और अचानक से बढ़ने लगा, यहाँ जीने के लाले पड़ गए, और देखा कि भाई भी जा रहा है, तो फौरन किस तरीके से उसने एक्शन लिया, इतनी 8.5 साल की बच्ची जो बहुत ही छोटी मानी जाती है, उसने ये एक्शन लिया और अपने भाई को बचाया, और क्या, और काफ़ी टाइम तक वो वहीं पर ही अटके रहे जब तक कि उनको निकाला ना गया। तो इस कंडीशन में तो भाई शॉक मुझे लगता है बच्चे को हो ही गया होगा। द ब्रेव हार्ट व्हेन asked how she did it says I don't know from where I got the strength। जब इस बहादुर दिल वाली बच्ची से पूछा गया कि तुमने कैसे किया, क्या सोच के किया, तो बच्ची ने कहा I don't know, मुझे नहीं पता। I don't know का मतलब है मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी स्ट्रेंथ, इतनी एनर्जी, इतना करेज कहाँ से आया। I just know I had to save my brother, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे अपने भाई को बचाना है। मतलब बच्ची ने यह कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतनी सोच कहाँ से आई, बस मुझे ये मालूम था कि मुझे अपने भाई को बचाना है पानी में डूबने से, एंड पुट ऑल माई energy to hold him close to me, और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बच्चे को अपने से, मेरे भाई को अपने से दूर नहीं जाने देने के लिए। The family of 16 people had gone for a pilgrimage, but unfortunately only 10 of them returned back home। 16 लोगों की पूरी फैमिली तीर्थ करने, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ करना, तो 16 लोगों की पूरी फैमिली तीर्थ करने गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश, उनमें से सिर्फ 10 ही लोग वापस घर आ पाए। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद, इतना कि इसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बच्ची की बहादुरी को सलाम है, इस बच्ची की बहादुरी को वाकई अप्रिसिएशन है कि इसने ऐसी कठिन समय में अपने भाई को कैसे बचाया जा सकता है, इतनी हिम्मत रखी कि उसको बचाया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट।
दिस स्टोरी इज़ अ ट्रैजिक वन, ये वाकई बहुत ही ट्रेजेडी वाली बात है कि 16 लोगों में से सिर्फ कितने लोग वापस आए, 10, और 6 लोग जो हैं वो आपदा का शिकार हो गए। एंड येट इंस्पायरिंग, ये स्टोरी ट्रैजिक तो है ही, दुख देने वाली ट्रैजेडी है ही, लेकिन फिर भी ये इंस्पायरिंग है, ये आपके दिल दिमाग में एक जोश भरती है। एट द सेम टाइम इफ एन 8.5 ईयर ओल्ड कैन डू सच अ ब्रेव थिंग, सो कैन द रेस्ट ऑफ अस। और ये हमारे दिमाग में इस सोच को डालती है कि अगर 8.5 साल की बच्ची इतनी बहादुरी दिखा सकती है तो बताइए तो क्या, सो कैन द रेस्ट ऑफ अस, क्या हम नहीं कर सकते, या हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इट टेक्स इज अ विल, सिर्फ क्या चाहिए, चाहिए है हमें एक विल। विल का मतलब हमारी अंदरूनी शक्ति की, हमारी अंदरूनी शक्ति की, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे एक और बच्ची दी है और मुझे लगता है कि इसका भी एक बहुत ही रोचक किस्सा होगा, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव किस्सा होगा, क्योंकि इस बच्ची का जो नाम है वो इंडियन एक्सप्रेस में मैंने भी पढ़ा था। चलिए देख लेते हैं कि इस बच्ची की क्या कहानी है। इसका नाम है शिवम पेट रुचि था। ठीक, और ये कहाँ की हैं, ये हैं तेलंगाना की। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने क्या ब्रेव पार्ट किया था, क्या काम किया था। 8 ईयर ओल्ड शिवम पेट रुचि था बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द गीता चोपड़ा अवार्ड दिस ईयर। दो देखिए, इस साल का लिखा है इसमें, तो इस साल जो है सबसे यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटी। ठीक है, तो सबसे छोटी बच्ची, सबसे छोटा पर्सन जिसने गीता चोपड़ा अवार्ड जीता, उसमें किसका नाम है, उसमें नाम है शिवम पेट रुचिता का, जो कितने साल की हैं, जो सिर्फ मात्र 8 साल की हैं। तो 8 साल की शिवम पेट रुचिता ने सबसे छोटी उम्र का, सबसे कम उम्र का अवार्ड जीता, सबसे कम उम्र होने का अवार्ड जीता, नहीं, सबसे कम उम्र की हैं और इन्होंने अवार्ड भी जीता है, और अवार्ड का नाम है गीता चोपड़ा अवार्ड। आगे देखते हैं, ऑन जुलाई 24, 2014, ये वाक्या है, ये किस्सा है, किस दिन का, वो दिन है जुलाई 24, और साल कौन सा है, साल है 2014, इट इज़ 2014। रुचिता सेव्ड टू ऑफ हर स्कूलमेट्स, रुचिता ने अपने स्कूलमेट्स, स्कूल में पढ़ने वाले दो साथियों को बचाया। किस चीज़ से बचाया, जान लेते हैं कि व्हेन अ ट्रेन हिट देयर स्कूल बस, जब एक ट्रेन ने उनकी स्कूल बस को हिट किया था, टक्कर मारी थी, तब उसी वक्त शिवम पेट रुचिता ने अपने साथी, स्कूल के साथी जो थे, उनमें से दो बच्चों को बचाया था। शी नोटिस्ड दैट देयर बस हैज स्टॉप्ड ऑन अ रेलवे ट्रैक। शिवम पेट ने ये नोटिस कर लिया था, ये ध्यान कर लिया था कि उनकी जो बस है वो रुकी है, लेकिन रुकी कहाँ है, रुकी है किस चीज़ पर, रेलवे ट्रैक। आपने देखे होंगे कि रेलवे ट्रैक्स अक्सर रास्तों के बीच में कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं, है ना, और वहाँ से होकर ही बसों को, ऑटो को और गाड़ियों को गुजरना होता है। तो इसी तरीके से एक रेलवे ट्रैक भी शिवम पेट रुचिता के घर के रास्ते में, स्कूल से घर के बीच में जो रास्ता था उसमें पड़ रहा था। तो जैसे ही मेरे ख्याल से बस वहाँ से गुजरी होगी, उसमें कोई फॉल्ट आया होगा और वो वहीं के वहीं रुक गई। और ये चीज़ किसने नोट कर ली, ये चीज़ शिवम पेट रुचिता ने नोट कर ली कि हम कहाँ खड़े हैं, हम खड़े हैं रेलवे ट्रैक पर, बस कहाँ रुक गई है, रेलवे ट्रैक पर रुक गई है। एंड अ ट्रेन वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम, और रुकी ही ट्रेन, बस तो रुकी है रेलवे ट्रैक पे, लेकिन साथ में एक ट्रेन भी आती दिख रही है शिवम पेट को। अब ट्रेन अगर आ रही है और बच्चे उतरे नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सीडेंट, कितनी बड़ी हानि हो सकती है। शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा दिमाग दिखाते हुए, दिमाग का की सोच को लगाते हुए शिवम पेट ने क्या किया कि शी पुश्ड
टू स्टूडेंट्स आउट ऑफ द विंडो। अब शिवम पेट ने क्या किया कि दो बच्चों को उसने पुश्ड, धक्का दिया, कहाँ से, विंडो के बाहर कर दिया। एंड जम्प्ड ऑफ द बस हरसेल्फ टू, दो बच्चों को बाहर करा पहले और फिर खुद भी बाहर कूद गई बस की खिड़की से। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट सेव हर यंग सिस्टर, लेकिन बड़े दुख की बात यह है, दुखद बात यह है कि वह अपनी छोटी बहन को नहीं बचा पाई। हु वॉज सिटिंग इन द फ्रंट रो, इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि यंगर सिस्टर, छोटी बहन जो थी, वो आगे की सीटों पे बैठी हुई थी बस में। ठीक, हर यंगर ब्रदर सस्टेन्ड सीवियर इंजरीज बट ही हैड रिकवर्ड नाउ। जो छोटा भाई था उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, सीरियस इंजरीज थी उसकी, बहुत ही ज़्यादा घातक इंजरीज थी उसकी, लेकिन फिर भी उसका छोटा भाई रिकवर हो गया। ठीक है, 16 स्टूडेंट्स, द ड्राइवर एंड द कंडक्टर लॉस्ट देयर लाइव्स इन द एक्सीडेंट। 16 बच्चे, साथ में ड्राइवर और कंडक्टर, इन सब की इस घटना में, इस दुखद घटना में मौत हो गई। शी वॉज ऑनर्ड द ग्रेट द गीता चोपड़ा अवार्ड। शिवम पेट रुचिता को अवार्ड मिला, ऑनर मिला, एक अवार्ड मिला, और अवार्ड का नाम है गीता चोपड़ा अवार्ड। इट फील्स गुड टू हैव द लाइम लाइट। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये मैंने भी अखबार में पढ़ा था, ये शिवम पेट ने दिया था कि अच्छा लगता है जब आप लाइमलाइट में आते हो, जब आपको, आप सबके सामने आते हो और लोग आपसे बात करते हैं और आपको एक अलग से अप्रिशिएशन देते हैं। एंड गेट एन अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, अच्छा लगता है इस बात के लिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड मिल रहा है। बट आई विश आई वॉज एबल टू सेव माई सिस्टर टू, लेकिन काश मैं अपनी छोटी बहन को भी बचा पाती। एज़ वी ऑल मिस हर, क्योंकि हम सब उसे बहुत मिस करते हैं। शी टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, ये बात शिवम पेट ने इंडियन एक्सप्रेस में बताई थी। कितने दुख की बात है कि दो बच्चों को जो उसी के स्कूल में पढ़ते थे, शिवम पेट के, उसने बचाया, लेकिन अपने ही घर के लोगों को नहीं बचा पाई क्योंकि वो बच्चे आगे की तरफ बैठे थे। और आज भी वो अपनी इस बात के लिए दुख महसूस करती है कि वो अपनी बहन को नहीं बचा पाई, उसे बहुत याद करती है। ठीक, ये बहुत ही दुखद बात है कि अपनी जान बचाई लेकिन अपने ही आंखों के सामने अपने छोटे भाई बहन की कंडीशन खराब होते उसने देखी। चलिए, ये तो वाकई कहानी पढ़ने में ही मुझे बहुत दुख महसूस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी आ रही है कि कितने ज़्यादा ब्रेव ये बच्चे हैं, कितने हिम्मती बच्चे हैं कि ऐसे कंडीशन में, जब इंसान को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, इस कंडीशन में इन बच्चों ने दूसरों की जान बचाई और साथ ही अपना भी ख्याल रखा, ऐसी इन बच्चों को सलाम है। चलिए आगे देखते हैं एक और बच्चे की कहानी। इस बच्चे का नाम है दिशांत मेहंदी रत्ता। चलिए, तो दिशांत मेहंदी रत्ता जो कि हरियाणा के हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि दिशांत ने क्या ब्रेवरी दिखाई थी। तो देख लेते हैं, इट वॉज 4 अप्रैल, 4 अप्रैल का दिन है और 2015 साल चल रहा है। दिशांत मेहंदी रत्ता वॉज एट हिज होम इन पंचकुला। तो दिशांत मेहंदी रत्ता जो है वो अपने घर पे थे पंचकुला में। मैं आपको बता दूं कि पंचकुला कहाँ है, तो पंचकुला हरियाणा में है। ठीक है, अब देखते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है हरियाणा है ना, इसी से आप समझ लीजिए कि पंचकुला हरियाणा में है। तो ये 4 अप्रैल की बात है और साल 2015 है और जो दिशांत मेहंदी रत्ता है वो अपने घर पर थे पंचकुला में। घर पर और कौन था, तो घर पर विथ हिज मदर एंड यंगर ब्रदर, उसकी मम्मी थी और साथ में उसकी छोटा भाई था।
हिज फादर हैड जस्ट लेफ्ट फॉर वर्क, उसके पापा जो हैं वो उसी थोड़ी ही देर पहले काम के लिए निकले थे. व्हेन जब अ स्ट्रेंजर नॉक्ड एट द डोर आस्किंग फॉर हिम, जब एक अनजान व्यक्ति घर के दरवाजे पर दस्तक देता है, और ये अनजान व्यक्ति किसको पूछ रहा है, दिशांत मेहंदीरत्ता के पापा को पूछ रहा है, उनके बारे में पूछना चाह रहा है कि वो कहाँ हैं या उनसे बात हो सकती है नहीं. जैसे नॉर्मली हमारे घर में भी लोग आते हैं और वो हमारे घर के किसी ऐसे फैमिली मेम्बर के बारे में पूछते हैं जो हो सकता है उसी टाइम बाहर गया, तो यही पूछते हैं ना कि फलाने जी वो मिस्टर मेहंदीरत्ता या मिस्टर अरोरा या मिस्टर शर्मा कहाँ हैं या मैं उनसे कैसे बात कर सकता हूँ. तो इसी तरीके से एक स्ट्रेंज आदमी जिसको वो नहीं जानते थे, स्ट्रेंजर आदमी जिसको नहीं जानते थे परिवार के सदस्य, वो आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया और पूछने लगा फादर के बारे में. द फैमिली इन्वाइटेड हिम इन, और फैमिली क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि को बुलाया जाता है, अतिथि का सत्कार किया जाता है, इसीलिए फैमिली ने स्ट्रेंजर को अंदर बुला लिया. एंड दिशांत्स मदर अर्चना कॉल्ड हर हस्बैंड टू इन्फॉर्म अबाउट द विजिटर. दिशांत की मामा का नाम अर्चना है, तो जैसे ही अर्चना से स्ट्रेंजर ने पूछा होगा, अर्चना जी ने फौरन ही उनके अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, मतलब दिशांत के पापा को फ़ोन लगाया और स्ट्रेंजर के बारे में पूछने लगे, जो विजिटर आए हैं उनके बारे में पूछने लगी कि क्या वो उन्हें जानते हैं या क्या क्या उनसे बात करनी है, ये पूछने लगी. हिज फादर कुडंट रिकग्नाइज द मैन, और फादर पहचान ही नहीं पाए कि किसके बारे में बात हो रही है. एंड आस्क्ड हिम टू कम लेटर, और कहा कि जो स्ट्रेंजर आए हैं, जो विजिटर आए हैं, उनसे कह दो कि बाद में आना, ठीक है, जब वो घर पे मौजूद हों तब आना. देखिए, दिस वॉज व्हेन द स्ट्रेंजर आस्क्ड इफ़ ही कुड यूज़ द टॉयलेट. अब जैसे ही ये बात हुई, अर्चना जी ने ये बात उस विजिटर से कही होगी, तो विजिटर ने कहा कि क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, और बात वही आ गई कि अतिथि देवो भव, हम कैसे किसी को मना कर दें कि भाई हम टॉयलेट जाने नहीं दे सकते अपने घर में. कोई नहीं कहता, हर कोई कहता हाँ भाई ये तो एक इमरजेंसी कॉल है तो आप कर लीजिए, है ना. फिर देखिए क्या होता है, एंड वाइल अर्चना वॉज लीडिंग द वे टू शो हिम द बाथरूम, ही सडनली took आउट अ नाइफ एंड पुट इट ऑन हर नेक. अर्चना जी उसे आदर सत्कार से लेके जा रही थी, दिखा रही थी रास्ता कहाँ का, बाथरूम का, लेकिन अचानक स्ट्रेंजर ने क्या किया, अचानक स्ट्रेंजर ने नाइफ निकाल लिया, चाकू निकाल लिया और उसे अर्चना जी की गर्दन पे रख दिया. ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग द चिल्ड्रन, और वह डराने लगा किसको, बच्चों को, चाकू से, ठीक. आस्किंग देम, और बच्चों से कहने लगा, आस्किंग देम टू ब्रिंग आउट ऑल द कैश एंड वैल्यूएबल्स, कहने लगा कि जाओ और जाकर सारा पैसा और जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो लेकर आओ. आस्किंग हिम टू ब्रिंग का मतलब है लेकर आओ, क्या लेकर आओ, कैश का मतलब पैसा और वैल्यूएबल का मतलब कीमती चीज़ें, मतलब सोने चांदी जेवरात जो भी उनके घर में हो वो. दिशांत मेड अ क्विक प्लान, दिशांत के दिमाग में अचानक एक प्लान आया. एंड फेल डाउन ऑन द मैंस फीट प्रिटेंडिंग टू प्लीड विद हिम. अच्छा, दिशांत के दिमाग में ये ख्याल आया, एक प्लान आया कि क्यों ना मैं इसके पैरों पे गिरूं और उससे दया की भीख मांगने लगूं. एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड ही सडनली स्टूड अप, और जैसे ही दिशांत उसके पैरों पे गिरा और थोड़ा सा ड्रामा किया, अचानक दिशांत खड़ा हो गया. खड़ा हुआ, ग्रैब्ड द नाइफ, और फौरन उसने छीना, किसको, ग्रैब्ड का मतलब होता है छीनना, किस चीज़ को, नाइफ को, चाकू को, फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स हैंड, मतलब अननोन पर्सन जो आया था, जिसने चाकू निकाल लिया था उसके हाथों से क्या छीन लिया, चाकू छीन लिया दिशांत ने. एंड थ्रो इट अवे, और छीन के फौरन बाहर
फेंक दिया, थ्रो इट अवे मैंने दूर पे फेंक दिया। द फैमिली रेज एन अलार्म, फैमिली ने अलार्म बजाया एंड गॉट हिम अरेस्टेड, और क्या किया, उस स्ट्रेंज विजिटर को अरेस्ट करवा दिया। दिशांत रिसीव द जनरल नेशन ब्रेवरी अवार्ड, दिशांत को जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला फॉर दिस करेजियस एक्ट, इस बहुत ही ज़्यादा हिम्मती एक्ट के लिए, हिम्मती काम के लिए उसको जनरल नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। तो ओके चलन, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी कठिनाई वाले समय में डरे नहीं, बल्कि उससे लड़ने की कोशिश करें।